छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का सीआरपीएफ टीम पर हमला, हमले में 9 जवान शहीद, 2 घायल जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर लाया गया। नक्सलियों ने आईईडी की मदद से सीआरपीएफ की एंटी लैंड माइंस गाड़ियां उड़ाई। हमला उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ के 212 बटालियन के जवान रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान किस्ताराम से पलोडी जा रहे थे। नक्सलियों ने सबसे पहले आज सुबह लगभग 8 बजे सीआरपीएफ के कोबरा जवानों पर किया था हमला, लेकिन मुस्तैद जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली वहां से भाग निकले थे और दोपहर होते होते दूसरा हमला कर दिया। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआरपीएफ के डीजी को सुकमा जाने के निर्देश दिए, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा दुखद है नक्सली हमला। सुकमा हमले के बाद सीएम रमन सिंह ने अपने घर पर बुलाई आपात बैठक, सर्च ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने भी सुकमा हमले पर जताया शोक, ट्विटर पर लिखा सरकार की नाकाम नीतियों की वजह से हो रहे हैं एक के बाद एक हमले। सीलिंग के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, मीटिंग में कांग्रेस ने की शिरकत, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी से मिलेगा राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि मंडल। मीटिंग के दौरान कांग्रेस ने दिल्ली को 5 हिस्सों में बांटकर एक्शन प्लान बनाने की पैरवी की, साथ ही हाउस होल्ड इंडस्ट्री में भी बदलाव की जरूरत को मीटिंग में रखा, कहा संसद में मुद्दा उठाने की जरूरत। सीलिंग पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे बीजेपी नेता, बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मनोज तिवारी पर मनीष सिसोदिया के ट्वीट की वजह से मीटिंग का बीजेपी ने किया बहिष्कार। सिसोदिया ने ट्वीट किया था जिस पार्टी को सीलिंग का समाधान निकालना है उसके प्रदेश अध्यक्ष विदेश घूम रहे हैं। बीजेपी के मीटिंग में शामिल न होने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा, सिसोदिया ने कहा सड़क पर बैठ सकती है बीजेपी लेकिन बैठक में नहीं आई, छोटे दुकानों को बंद करके एफडीआई लाना चाहती है बीजेपी सरकार। सीलिंग पर मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा बीजेपी और आम आदमी पार्टी की फर्जी लड़ाई में व्यापारियों का नुकसान, जवाब में केजरीवाल ने लिखा संसद में कांग्रेस उठाए मुद्दा। सीलिंग के विरोध में आज दिल्ली के व्यापारियों ने 8 लाख दुकानों को बंद रखा। 3 महीने से दिल्ली भर की 100 से ज्यादा बाजारों में दुकानें सील की जा रही हैं जिसका असर रोजाना होने वाले व्यापार पर भी पड़ रहा है। बंद के दौरान व्यापारियों ने विरोध में सीलिंग की शव यात्रा भी निकाली, सरकार विरोधी नारे लगाए, साथ ही पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सुलह की कोशिशों के बीच क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां का नया आरोप, दक्षिण अफ्रीका में सीरीज के दौरान स्थानीय महिला के साथ संबंध के आरोप लगाए, कोलकाता पुलिस से सुरक्षा मांगी। 19 मार्च को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने हसीन जहां का बयान होगा दर्ज, जिसके बाद बयान से पीछे नहीं हट सकती हसीन जहां। शमी पर कोलकाता पुलिस पहले ही गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज कर चुकी है। विवाद के बीच कोलकाता में मीडियाकर्मी पर फूटा हसीन जहां का गुस्सा, सवाल पूछने से भड़की हसीन जहां ने मीडियाकर्मी का कैमरा तोड़ा। शमी और हसीन जहां के बीच विवाद खत्म करने के लिए शमी की चाची और बुआ ने मांगी दुआ, हालिया विवाद से दुखी है पूरा परिवार। विवाद से 3 महीने पहले ही बीरभूम में मोहम्मद शमी ने हसीन जहां के लिए नया घर खरीदा था, हसीन जहां के नाम हुई थी रजिस्ट्री, शमी के पैसे से घर खरीदा गया था। 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी, विपक्ष की 19 पार्टियों के नेताओं को आज डिनर पर बुलाया, 16 से 18 मार्च तक होने वाले पार्टी अधिवेशन में भी कांग्रेस गठबंधन पर प्रस्ताव ला सकती है। अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने इस्तीफा दिया, निजी कारणों को बताया इस्तीफे की वजह, मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई मामले में हुई थी वीके जैन से पूछताछ। जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू को कश्मीर को सामाजिक समस्या बताना भारी पड़ा, सीएम महबूबा मुफ्ती ने दिखाया बाहर का रास्ता, द्राबू ने कहा सीएम ने सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री अल्ताफ बुखारी को सौंपा गया वित्त मंत्रालय का जिम्मा, द्राबू के समर्थन प्रदर्शन। मध्यप्रदेश से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की बड़ी मुश्किल, सदन में चोर मंडली शब्द के इस्तेमाल के बाद विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया मामला, बीजेपी ने सदस्यता रद्द करने की मांग की। संसद के बाहर टीडीपी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की।
मेरठ नगर निगम की बैठक में बीएसपी और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़े। बैठक की टाइमिंग को लेकर मारपीट हुई। बैठक बर्खास्त करने की मांग कर रही थी बीजेपी। चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के तूतिंग में भारतीय वायुसेना ने उतारा अपना सबसे बड़ा मालवाहक जहाज C-17 ग्लोब मास्टर। डोकलाम में फिर से तनातनी की खबरों के बीच वायुसेना का मेगा ड्रिल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने न्यूनतम मासिक बकाए पर पेनल्टी में 75% तक कटौती की। 25 करोड़ ग्राहकों को इसका फायदा होगा। 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ाई। आधार पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आने तक रोक। पहले 31 मार्च तक थी समय सीमा। पीएम मोदी ने की टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। यूपी बोर्ड की परीक्षा छोड़ने वाले 11,25,000 बच्चे आए सरकारी जांच के घेरे में। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने उन स्कूलों पर भी जांच बिठाई जहां 50% से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा छोड़ी। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ। मरीज के इलाज के लिए अस्पताल में तांत्रिक लेकर पहुंचा डॉक्टर, मरीज की मौत। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज। एबीपी न्यूज की खबर का असर। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत के बाद जिलाधिकारी ने आबकारी इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को सस्पेंड किया। सोनीपत में एक छात्र ने कॉलेज में घुसकर लेक्चरर को मारी गोली। खरखोदा के राजकीय कॉलेज की वारदात, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अज्ञात हमलावरों ने पति पत्नी को गोलियों से भुना। फायरिंग में पति की मौत। हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम। दिल्ली में महेंद्र पार्क इलाके में उबर कैब ड्राइवर गिरफ्तार। कैब ड्राइवर पर महिला को किडनैप करने की कोशिश का आरोप। लखनऊ के नेशनल इंटर कॉलेज के प्राचार्य पर लगा छेड़खानी का आरोप। छात्राओं ने किया हंगामा। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने प्राचार्य पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।